अहम खबर और बता दें, स्कॉर्पियो कार से जुड़ी हुई इस वक्त की एक अहम खबर। अंबानी के घर के बाहर मिली कार चोरी की थी, चोरी की कार से ये बरामद हुआ है विस्फोटक। ये भी बड़ी जानकारी सामने आई है, 20 जिलेटिन की छड़ें जिस स्कॉर्पियो कार से बरामद की गई वो कार चोरी की है, दूसरे राज्य से चोरी कर महाराष्ट्र लाई गई थी ये कार। और अब हम एक्सपर्ट्स का रुख करना चाहेंगे। विक्रम सिंह साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं और इसीलिए मैं देरी से आपके पास आया ताकि जो अहम जानकारियां, ताजा जानकारियां हैं वो आप तक पहले पहुंचा दी जाए। इन तमाम जानकारियों के आधार पर ये साजिश जो है ये किस तरह की आपको नजर आ रही है सर, क्या कहता है आपका एक्सपीरियंस? समीर जी, मैं 4 बुलेट पॉइंट्स आपको देता हूं। साजिश भयानक है, भयावह है और सही है, ये कोई ट्रिक नहीं है। नंबर 2, जिस प्रकार के तत्व इसके पीछे हैं, इसके पहले इंडियन मुजाहिदीन समीर साहब आए थे और उसके बाद ये तत्व जो है इन्होंने इनोवा और स्कॉर्पियो गाड़ियां चुनी, जेलेटिन स्टिक्स चुनी, इन्होंने होमवर्क और रही किया, लेकिन इन्होंने जो त्रुटियां की हैं उसका मैं खुलासा नहीं करूंगा। इन्होंने ऐसी गंभीर त्रुटियां की हैं, हम लोग ये कहते हैं पुलिस की भाषा में 4/10 अगर त्रुटियां हैं तो अनावरण हो जाएगा, इनकी त्रुटियां हैं 7/10। अब इन्होंने कहा ना, ट्रेलर दिखाया है समीर अब्बास साहब, इनकी पूर्णाहुति बहुत जल्दी हो जाएगी, मुंबई पुलिस कर लेगी। मैं बता दूं इन्होंने जो त्रुटियां की हैं, लेकिन 2-3 परामर्श मैं देना चाहूंगा कि इस तरीके के क्लोज कॉर्डन सिक्योरिटी दे दी, अच्छी बात है, लेकिन अब ये घेरा आपका 5 किलोमीटर की परिधि में सीसीटीवी एनेबल्ड, कॉमसर एक सॉफ्टवेयर आता है जिससे कि एक एक परिंदा भी, यहां तक कि अगर कोई साइकिल भी पार करेगा आपको मालूम पड़ जाएगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिग डेटा एनालिटिक्स से आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये खतरा अब जो है ये वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है। मुकेश अंबानी और रिलायंस की हैसियत पाकिस्तान के बराबर है, इनकी हैसियत $92 बिलियन है और पाकिस्तान की हैसियत मुश्किल से 278। आप ये समझ लीजिए कि मुकेश अंबानी के ऊपर आक्रमण एक उद्योगपति पे नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर आक्रमण है। इसलिए इंडियन मुजाहिदीन तो रडार में आपके है ही है, इसके अलावा जो शरारती तत्व है, जो स्कॉर्पियो, अब अंबा का खुलासा नहीं करूंगा क्योंकि जो शरारती तत्व है, आतताएं हैं, वो भी आपका प्रोग्राम देखते हैं, मैंने मुझे मालूम है देखते हैं, और उनको मैं पर्चा आउट नहीं करूंगा, लेकिन अच्छा इन्वेस्टिगेटर अब तक इनके काफी नजदीक पहुंच चुका होगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और उन त्रुटियों को जाहिर करना भी नहीं चाहिए, और बहुत सारी डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हमारे पास भी है, हम भी उसको जाहिर नहीं कर रहे हैं पता होने के बावजूद भी, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है और मकसद ये होना चाहिए कि जल्द से जल्द जो साजिश करता है वो सलाखों के पीछे पहुंचे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।